दोस्तों, क्या आप YouTube Shorts के फीचर को YouTube के होम पेज से रिमूव करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों क्या आप Shorts के बटन को YouTube की ऐप से रिमूव करना चाहते हैं? अगर दोस्तों आपका जवाब हाँ है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक फिट लाइफ। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। YouTube Shorts के फीचर को रिमूव करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में आज दो मेथड बताने वाला हूं, और इन दो मेथड्स को यूज करके आप YouTube Shorts को अपने YouTube ऐप के अंदर से हमेशा हमेशा के लिए रिमूव कर पाएंगे, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए आप उन्हें यहां पे डिसेबल कर पाएंगे। तो यहां पे YouTube Shorts को डिसेबल करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए आप सबसे पहले अपना जो स्मार्टफोन है उसे यहां पे अनलॉक कर लीजिए, और स्मार्टफोन को अनलॉक कर लेने के बाद यहां पे आप YouTube का ऐप होता है उसे आप यहां पे ओपन कर लीजिए। YouTube ऐप को ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अभी आप यहाँ पे अपने YouTube के अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे अपने अकाउंट से लॉगिन कर लिया है YouTube ऐप के अंदर। और लॉगिन कर लेने के बाद आप यहाँ पे शॉर्ट्स को यहाँ पर ढूंढ लीजिए। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो शॉर्ट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको एक एक करके यहाँ पर क्लिक कर देना है यहाँ पे थ्री डॉट वाले आइकॉन पर, और जैसे ही आप यहाँ पे थ्री डॉट वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा नॉट इंटरेस्टेड वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे उसके बाद एक एक करके आप सारे के सारे शॉर्ट वीडियोस को यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ 10 से 15 शॉर्ट्स वीडियो आ जाएंगी आपके सामने इस वाले सेक्शन में, तो आप एक एक करके सबको इस तरीके से नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक कर दीजिएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे सारे के सारे जो शॉर्ट्स वाले वीडियो हैं वो यहाँ पे हट जाएंगे, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो यहाँ पे हट जाएंगे उसके बाद आप यहाँ पे अपने पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, और अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे जैसे ही आप, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अभी आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं जो शॉर्ट का जो फीचर है वो यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, यानी कि वो आपके यूट्यूब ऐप के अंदर से अभी हट चुका है। और अगर आप इसे फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेंगे तो भी आप जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो यूट्यूब शॉर्ट्स का जो फीचर है वो अभी भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो है हमेशा हमेशा के लिए डिसेबल हो चुका है। बट अगर आप अपने ऐप को यहाँ पे रिस्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये फिर से इसी तरीके से आ जाएगा। तो आप फिर से इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा, उसके बाद ये जो शॉर्ट्स वाला जो सेक्शन है वो आपके YouTube के होम पेज पर नहीं आएगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि ये जो नीचे की तरफ ये जो शॉर्ट्स वाला ऑप्शन आता है, यानी कि ये जो शॉर्ट्स वाला टैब है, आप इसे यहाँ पे किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे अपना जो YouTube का ऐप है उसे यहाँ पे क्लोज कर देना है। YouTube ऐप को क्लोज करने के बाद आपको अपने स्मार्टफोन में सेटिंग्स वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये जो ऐप्स वाला ऑप्शन है ये हर मोबाइल के लिए अलग अलग होता है, तो आप अपने स्मार्टफोन में देख लीजिएगा ये जो ऐप्स वाला ऑप्शन है वो आखिर कहां पर है। जैसे ही आप यहां पे ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे आपको यहाँ पे जो यूट्यूब का ऐप है उसे यहाँ पे ढूंढ लेना है। यूट्यूब का ऐप ढूंढ लेने के बाद यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा अनइंस्टॉल अपडेट्स पे। अगर आपके यहाँ पे अनइंस्टॉल अपडेट्स नहीं आता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इस ऐप को यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल करने से यहाँ पर अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे डिलीट वगैरह नहीं होने वाला है, अगर आपकी जो वीडियोज़ वगैरह हैं वो भी यहाँ पे डिलीट वगैरह नहीं होने वाली है, इसलिए अभी आप यहाँ पे इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। और अनइंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो क्रोम ब्राउजर है उसे यहाँ पे ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे गूगल टाइप कर लीजिए ऊपर की तरफ सर्च बार में, और गूगल को टाइप करने के बाद आप यहाँ पे सर्च बार में टाइप कीजिए यूट्यूब, और यूट्यूब के आगे आप लिख दीजिएगा एपीके। यूट्यूब एपीके को टाइप कर देने के बाद यहाँ पे आप इसे सर्च कर लीजिएगा, और जैसे ही आप इसको सर्च कर लेंगे आपके सामने काफी सारे जो लिंक्स वगैरह हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अभी आप यहाँ पे थर्ड वाली लिंक पे क्लिक कर दीजिए जो कि यहाँ पर है एंड्रॉइड एपीके फ्री। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ एक टाइप का पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस टाइप का, और जैसे ही ये जो पेज है वो ओपन हो जाता है अभी आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे एंड में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑल वर्जन। जैसे ही आप यहाँ पे सी ऑल वर्जन पे पहुंच जाते हैं आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है शो ऑल वर्जन वाले ऑप्शन पे, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं आपके सामने जो यूट्यूब की ऐप है वो यहाँ पे काफी सारी आ जाएंगी, यानी कि ये जो यूट्यूब की पुरानी वाली ऐप है वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो YouTube Shorts का जो टैब है वो अभी 2021 में YouTube ने अपने ऐप के अंदर डाला हुआ है, तो अभी आप यहां से कोई भी 2020 की जो वीडियो है यानी कि 2020 की जो APK फाइल है आप उसे यहां पे डाउनलोड कर लीजिए। तो यहां पर मैं नवंबर 2020 की ये जो APK फाइल है इसे मैं यहां पे डाउनलोड कर लेता हूं। इस पे डाउनलोड करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, और इस पर
क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का है जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा डाउनलोड APK वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे ये जो फाइल है आपके डिवाइस के अंदर कुछ इस टाइप से डाउनलोड हो जाएगी, और जैसे ही आपके डिवाइस के अंदर ये जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आप इस APK फाइल को अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो YouTube की पुरानी वाली ऐप है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, और अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर मुझे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर इस ऐप को अपने स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल कर लेता हूँ। YouTube ऐप को इंस्टॉल कर लेने के बाद उसे आप कुछ इस टाइप से यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा, और जैसे ही आप अपने YouTube के ऐप को ओपन कर लेंगे आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा, और लॉगिन कर लेने के बाद जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये जो शॉर्ट्स वाला ऑप्शन था वो यहाँ पर पूरी तरीके से गायब हो चुका है, और यहाँ पर फिर से वही ट्रेंडिंग वाला ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वो जो शॉर्ट्स वाला ऑप्शन है उसे यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं अपने YouTube ऐप के अंदर। तो इन दोनों ही मेथड्स को यूज करके आप YouTube शॉर्ट के फीचर को या फिर YouTube शॉर्ट के बटन को YouTube के ऐप में से हमेशा हमेशा के लिए हटा सकते हैं। अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर आपका कोई सजेशन हो तो आप वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसी किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।